मर्दान के इलाका काटलांग से लापता तीसरी जुमात की तालिब इलम की लाश नहर से बरामद हुई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान के इलाका काटलांग के गांव पुराना मेले का 9 साल बच्चा इस्माइल वल्द मुमताज गुज़िश्ता रोज अचानक लापता हो गया। वालिदैन की जानिब से बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी मुकामी थाने में दर्ज की गयी थी। बच्चे की लाश आज एक नहर से बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मासूम बच्चे की लाश मिलती ही इलाका में कोहराम मच किया और इलाके में शोक का समा है। पहले इलाका ने बच्ची की पुरस्कार मौत पर शदीद एहतजाज भी किया। बच्चे के वालिद का कहना है कि मेरा 9 साला इस्माइल तीसरी जुमात का तालिब इलम था और हमारा किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। पुलिस के मुताबिक बच्ची की नाश पर तशद्दुद के वाज़े निशानात मौजूद है और जिनसी तशद्दुद के हवाले से अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा।